पूरे अपने यहाँ के गांव गांव में ले गए, अपनी दुकान में चाय पिलाई। कई बार हमको जो है अनेक है दाल भात भी खिलाया, कई बार ऐसे सभी मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में पधारे, हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सब मेरे नौजवान साथी जिनका जोश में देख रहा हूं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जब से मैं हेलीपैड पर आया हूं तब से यहां तक उनका जोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे मेरे सभी नौजवान साथी, हमारे मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो सभी हमारे यहाँ के देवी देवताओं को उनको नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश पर उनकी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं, अभी भाई अजय टमटा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि ये देघाट सालम और सल्ट की क्रांति जो अल्मोड़ा जनपद में हुई थी, इसने एक जो देश को स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को तेज धार देने का काम इस आंदोलन ने किया था। और यहाँ पर तीन जगह पर गोलीकांड हुआ, 8 लोगों की इसमें शहादत हुई। मैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और हमारे माननीय विधायक जीना जी ने मुझे कहा था उनके नाम से यहाँ कर दीजिए, तो उसके नाम से ये सड़क भी हो गई है यहाँ की, तो उन सभी को मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, देश के इतिहास में जब भी देश की आजादी का जिक्र होगा, आंदोलनों का जिक्र होगा, उस संघर्ष का जिक्र होगा, तो देघाट का जो आंदोलन है, वो जो प्रतिकार है, वो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। देश की आजादी के साथ हमेशा उसका नाम आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में हमारे अल्मोड़ा लोकसभा, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी, मेरे भाई जन जन के प्रिय नेता, और जो बहुत ही सहजता से रहते हैं, बहुत सरलता से रहते हैं। अभी हम नाचनी में थे, नाचनी में भी हजारों हजार की संख्या में मेरी माताएं बहनें आई थी, बड़े बुजुर्ग आए थे, नौजवान साथी आए थे, और वो अजय भाई को पीछे चले गए। मैं ही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ चले गए। तो उन्होंने तब मैंने इशारा किया कि आगे क्यों नहीं आ रहे, बोले अरे नहीं, सब कार्यकर्ताओं को रहने दो, मैं जरा पीछे ही। तो इस प्रकार की सहजता वाले, इतने सरल, और कभी अपने बारे में बहुत ज्यादा अपने बारे में न बोलने वाले, जो केवल काम करने पर लगे रहते हैं। कभी हमारे विधायक लोग कहते हैं, कभी हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, प्रतिनिधि लोग कहते हैं, उनके कामों को आगे बढ़ाते हैं। मरे से भी जब भी मिलने आते हैं तभी कहीं कहेंगे मोबाइल टावर के लिए जमीन नहीं मिल पाई, ये वन विभाग की एनओसी नहीं मिली है, कभी सड़क बननी है पीएमजीएसवाई की वो रुक गई है, कभी ये मंदिर का जो पैसा आना था भारत सरकार से स्वदेश दर्शन में, ये आपके सरकार ने जल्दी इस कागज को भेजना है, इस कागज को जल्दी भिजवा दीजिए। तो ऐसा मैंने पहला सांसद देखा जो हमेशा हमेशा केवल अपने क्षेत्र को समर्पित रहता है, और केवल काम करने पर विश्वास जिसका है, बोलने पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम काम करेंगे तो काम बोलेगा। तो भाइयों बहनों, आपने इनको लगातार अपना आशीर्वाद इस क्षेत्र से दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी आप इनको और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस सल्ट विधानसभा से, जो हमारे महेश जीना जी ने अभी काम बताए, अनेक अनेक काम यहाँ पर हुए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। और विधायक जी को अगर मैं कहता कि बोलते रहो तो ये 1 घंटे से भी ज्यादा बोलते, इनके काम खत्म नहीं होते। तो भाइयों बहनों, इस सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जब भी महेश भाई मेरे पास आते हैं, कोई भी काम कहते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उस काम को स्वीकृति मिले। अभी बहुत सारे काम इन्होंने आगे के लिए मुझे प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और सल्ट विधानसभा जिस प्रकार से आज चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से इसमें
डबल इंजन की सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं इस अवसर पर अपने इस क्षेत्र में जिन्होंने एक विकास की अलग जगाई, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, जो हम मेरे साथी थे, हम सब साथ में काम करते थे, उनका भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने काम शुरू किए, जितने कामों को आगे बढ़ाया था, जो उनकी इच्छा थी, हसरत थी, जो उनका सपना था, उन सारे कामों को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। भाई बहन, हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। हमारे महेश जी बढ़ाएंगे और लोग बढ़ाएंगे, हमारे सांसद जी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव देश और प्रदेश के साथ साथ भारत को एक विश्व शक्ति बनाने की ओर, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए और विकसित भारत का जो संकल्प है, दुनिया का सिरमौर भारत का जो संकल्प है, यानी कि पूरी दुनिया हमारे पीछे चले, हम आगे आगे चले, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लेकर मोदी जी जो आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प पूरा करने में हम सबको भी अपना योगदान देना है। मेरी माताओं बहनों को योगदान देना है और 100% मतदान करना है, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। कोई भी सर्वे होता है, कोई भी रेटिंग आती है, तो एक तरफ मोदी जी 75% से ज्यादा रेटिंग पर होते हैं और दुनिया के सारे नेता 25% की रेटिंग पर होते हैं। ये देश के आजादी के बाद पहला ये अवसर आया है कि हमको ऐसे नेता मिले हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि एक लक्ष्य और विचार के लिए काम करती है। ये सत्ता, ये सरकारें, ये सेवा का माध्यम होती है और विकसित भारत को परम वैभव पर पहुंचाकर पुनः विश्व गुरु बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य है, भाजपा का संकल्प है। जब से देश आजाद हुआ है, तब से ये संकल्प लगातार आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जा रहा है, एक बुनियाद रखी जा रही है, ऐसी नींव जिसमें नया आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत